आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। राजधानी दिल्ली में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन पर यकीन करना लगभग असंभव है। जी हां, आपको बता दें ऐसा ही कुछ दिनों पहले मामला आया था। दिल्ली में लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर की हत्या से सभी को उसने झकझोर कर रख दिया था। आपको बता दें कि मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला लिव इन पार्टनर की हत्या का सामने आ रहा है। दिल्ली में लगातार लड़कियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। बता दें ऐसा ही मामला दिल्ली की जनता को लगातार झकझोर रही है। बता दें सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया है कि साहिल गहलोत नाम के शख्स ने शादी से इनकार करने पर अपने साथ रह रही एक गर्लफ्रेंड को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की कथित तौर पर साहिल गहलोत ने हत्या कर दी और हत्या के करीब 12 घंटे बाद उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। इतना ही नहीं, आगे आपको बता दें और अगले दिन आरोपी यानी कि साहिल गहलोत ने वापस आकर निक्की के शव को डिस्पोजल के लिए फ्रिज में छुपा दिया। जी हां, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि साहिल गहलोत नाम के शख्स ने 10 फरवरी को सुबह 9 बजे अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की कथित तौर पर हत्या कर दी। बता दें हत्या गला घोट कर की गई है और फिर यहां चौंका देने वाली वारदात ये हुई कि फिर करीब 12 घंटे बाद उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। शादी के फौरन बाद अगली सुबह 3 बजे वो वापस अपनी कार में आया और शव को फ्रिज में छिपा दिया। बता दें कि ये फ्रिज एक ढाबे का था। एक ही छत के नीचे रहने वाले साथी की हत्या से दहशत का माहौल पूरी दिल्ली में बना हुआ है। राजधानी लगातार एक क्राइम का अड्डा बनती जा रही है। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या साहिल गहलोत के परिवार वाले को इस हत्याकांड की कोई भी जानकारी थी या नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली में आखिर, जो कि भारत की राजधानी है, लगातार क्राइम इतना कैसे बढ़ रहा है। आपको बता दें पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या परिवार को हत्या के बारे में कुछ पता था, क्योंकि साहिल के बयान के मुताबिक निक्की से उसका झगड़ा साहिल की सगाई के बाद से शुरू हो गया था जिससे उन्होंने शादी की थी। फिलहाल बता दें लड़की का अंतिम संस्कार हरियाणा के झज्जर में कर दिया गया है, क्योंकि लड़की हरियाणा की रहने वाली थी और पुलिस भी लगातार सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आफताब के इतने बड़े केस के बाद भी दिल्ली में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये सरकार की गलती है या पुलिस की शक्तियों पर सवाल है? अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।